इस वीडियो में हम जानेंगे गुस्से में प्रयोग होने वाले वाक्यों का अंग्रेजी में कैसे अनुवाद किया जाता है, उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। तो शुरू करते हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। जब गुस्से में बोलते हैं मुझे परेशान करना बंद करो, तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? स्टॉप एनॉइंग मी। एनॉइंग मतलब परेशान करना। मुझे धमकी मत दो, इसको बोलेंगे डोंट थ्रेटन मी। मैं तुम्हें बहुत झेल चुका हूँ, इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव हैड इनफ ऑफ यू। तुम मुझे क्यों नहीं समझते, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Why don't you understand me? मुझे आपको सब कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे? I don't need to explain you everything. Next, तुम इस मामले से दूर रहो, इसको कैसे कहेंगे? You stay out of this matter भी बोल सकते हैं इसके आगे। मैं इससे बहुत पक चुका हूँ, इसको बोलेंगे I am so sick of this। बहाने बनाना बंद करो, इसको बोलेंगे Stop making excuses। मुझे घूमना बंद करो, इसको क्या बोलेंगे? Stop staring at me। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you staring at me? यह बहुत अन्याय है, इसको बोलेंगे यह बहुत अन्याय को भी क्या बोलेंगे? This is so unfair। उसे सबक सिखाने की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे? He needs to be taught a lesson। तुम किसी काम के नहीं, इसको किस प्रकार से बोलेंगे? You are good for nothing। उसे यहाँ से बाहर निकालो, इसको क्या बोलेंगे? Get her out of here। फीमेल के लिए बोलेंगे हर। यह मेरा फैसला है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? जब किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी से बहस हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं यह मेरा फैसला है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे It's my decision, it has nothing to do with you। यस, आगे ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Such people are selfish। ज़्यादा हंसो मत, Don't laugh too much। अब क्या बोलते हैं, जैसे कि भले ही तुम मुझे मार दो पर मैं यह नहीं करूँगा, भले ही तुम मुझे मार दो मैं यह नहीं करूँगा, तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? Even if you kill me, I won't do this।